नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। भाई आज एक और शानदार मुकाबला हमारे सामने होने वाला है भाई, ये है टेस्ट मैच इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। भाई सीरीज तो इंग्लैंड ने अपने नाम कर ली है, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है कि हम इस मुकाबले का ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा कैश इन कर सकें। अब दोस्तों उसके लिए हमें बनानी है बेस्ट प्लेइंग 11। तो आइए आज की इस फैंटेसी गाइड में आपकी मदद करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं कि आखिर कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स एकत्रित करा सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की फैंटेसी गाइड पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस मैच के सबसे पहले विकेट कीपर्स के ऑप्शंस के साथ। भाई यहां पर दोस्तों टॉम ब्लंडल और जॉनी बेस्टो के सीधे ऑप्शंस हमें नजर आते हैं, साथ ही साथ फॉक्स भी अवेलेबल है। बट राइट नाउ इफ वी सी बोथ द मैचेस, तो टॉम ब्लंडल ने दोनों ही मैचेस में शानदार बल्लेबाजी करी थी। और अगर बात करें इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो की, तो इन्होंने पिछले मुकाबले में अगर हम देखें तो 194 पॉइंट्स एकत्रित कराए थे और शानदार बल्लेबाजी करी थी। तो दैट मींस वी कैन सेलेक्ट हिम एज अ विकेट कीपर फ्रॉम इंग्लैंड टीम। तो दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे दो विकेट कीपर। बात करें बल्लेबाजों की, तो यहां पर तो भाई सीधा सीधा पहला बल्लेबाज हमें मिल जाएगा जो रूट, जिन्होंने 235 पॉइंट्स दिलाए थे दूसरे टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच में 160 पॉइंट्स एकत्रित कराए थे। तो डेफिनेटली इनको सेलेक्ट करना बनता है। अब इनके साथ साथ अगर हम देखें तो डिवोन कॉनवे को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने पिछले मैच में 46 रन बनाए थे और अच्छी बल्लेबाजी करी थी न्यूजीलैंड की ओर से। वहीं अगर हम देखें तो ऑली पोप को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से, जिन्होंने अगर लास्ट मुकाबला देखें तो 145 रन की शानदार बल्लेबाजी करी थी और 203 पॉइंट एकत्रित कराए थे। अब दोस्तों ये हैं वो तीन बल्लेबाज जो कि इस मैच में हमारे साथ हमारी टीम में हो सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की ओर। भाई बेन स्टोक्स को सेलेक्ट करना तो डेफिनेटली बनता है दोस्तों, बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करी है और बल्ले से भी कमाल दिखाया था, तो इनको सेलेक्ट करना डेफिनेटली बनता है। वहीं डेरल मिचेल की अगर हम बात करें तो भाई पहले मुकाबले में 108 रन और दूसरे मुकाबले में 190 रन ठोके थे, तो इन्हें डेफिनेटली हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ ऑलराउंडर। तो दोस्तों ये दो ऑलराउंडर हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें गेंदबाजों की, तो यहां पर जेम्स एंडरसन का खेलना पॉसिबल नहीं है। बट अगर बात करें न्यूजीलैंड खिलाड़ियों की, तो ट्रेंट बोल्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने 4 विकेट पहले मैच में लिए थे और रही बात दूसरे टेस्ट मैच की, तो यहां पर 5 या 6 विकेट अपने नाम करे थे और ओवरऑल देखें तो 204 पॉइंट्स एकत्रित कराए थे लास्ट मुकाबले में और 104 पॉइंट्स एकत्रित कराए थे पहले टेस्ट मैच में, तो इनका सेलेक्ट करना बनता है। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि 103 पॉइंट्स एकत्रित करा चुके हैं। और इनके साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर टिम साउदी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई इनकी शानदार गेंदबाजी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वहीं इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो वॉट्स ने शानदार गेंदबाजी करी है नो डाउट, इनका सिलेक्शन डेफिनेटली बनता है बॉस। अब यहां पर दोस्तों कुछ ऐसी टीम बनती हमें दिखाई दे रही है जहां टॉम ब्लंडल, डिवोन कॉनवे, डेरल मिचेल, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी हमारी टीम में नजर आते हैं। वहीं बात करें अगर हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की, तो जॉनी बेस्टो, ऑली पोप, जो रूट, बेन स्टोक्स, पॉट्स और स्टुअर्ट ब्रॉड हमारी टीम में रहेंगे। तो 6 खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की ओर से और 5 खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। तो दोस्तों ये बन जाती है हमारी टीम। अब बात करें अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो जो रूट को कप्तान बनाना डेफिनेटली फायदेमंद हो सकता है। वहीं वाइस कैप्टन की बात करें तो यहां पर डेरल मिचेल की परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। तो भाई ये है हमारी फाइनल बेस्ट प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स एकत्रित करा सकती है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस यहां पर हो सकते हैं और किन्हें आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाइएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।